जनपद सोनभद्र थाना चौपन अंतर्गत बैरियर से लेकर डाला वैष्णो मंदिर तक भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों के संबंध में महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट सोनभद्र द्वारा जिला प्रशासन को रविवार की शाम अवगत कराया गया था, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपर जिला अधिकारी सहदेव मिश्रा द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत कराएं, जिसके संबंध में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार खैरवार द्वारा तत्काल ORW शेष मणि दुबे जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र थाना STU प्रभारी राम यादव आरक्षी धनंजय यादव अमन द्विवेदी की संयुक्त टीम को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया कि तत्काल बच्चों का चिन्हांकन करते हुए उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित कराएं, जिस पर संयुक्त टीम द्वारा संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 17 अक्टूबर को थाना चौपन अंतर्गत बैरियर से लेकर डाला वैष्णो मंदिर तक भिक्षावृत्ति कर रहे कुल 9 बच्चों को महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष सावित्री देवी राकेश केशरी के सहयोग से चिन्हित कर अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया व बाल कल्याण समिति के आदेश के उपरांत संस्था में आवासित कराया गया। उक्त प्रकरण में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया की भिक्षावृत्ति में चिन्हित पात्र बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सम्मान से लाभान्वित कराया जाएगा। शेष मणि दुबे ने आम जनमानस से निवेदन किया कि भिक्षावृत्ति कुप्रथा को रोकने के लिए भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों के बारे में अवगत कराएं, साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को पैसा न देवे बल्कि उनकी भोजन व अन्य जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराए। आज 9 बच्चे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को आपके द्वारा पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? कई बार ये शिकायत मिली कि तमाम बच्चे चौपन से डाला के बीच में भिक्षावृत्ति करते हैं, तो उन शिकायत के बेस पर संयुक्त रूप से ASTU और DCPU की टीम और सामाजिक कार्यकर्ता चौपन से सावित्री देवी, ये लोग मिलकर भिक्षावृत्ति करने वाले 9 बच्चों को आज रेस्क्यू किए हैं और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन बच्चों को, सारे बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, इन सारे बच्चों को शिशु गृह में आवासित कराया जा रहा है और इन बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से इन बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य में वो भी बच्चे शामिल हैं जो भिक्षावृत्ति करते हों, कूड़ा बीनते हों या भिक्षावृत्ति कूड़ा बीनने वाले और बाल श्रम करने वाले, इन सारे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से जोड़ना है, तो इन बच्चों को भी उस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। ये बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवार के हैं, इसमें आपके विभाग के द्वारा क्या जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है? एकदम चलाया जाता है, हमेशा ये लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप लोग अपने बच्चों से भिक्षा मत मंगवाइए। सरकार की योजनाएं चल रही हैं निःशुल्क शिक्षा देने की, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप यहां से समन्वय स्थापित करिए और जो प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार से संचालित योजनाएं होंगी उनका लाभ दिलवाया जाएगा। कुछ लोग तो मजबूरी बस भिक्षा मंगवाते हैं और कुछ पेशेवर हो गए हैं जो भिक्षा मंगाने का काम ही करते हैं, कितनों समझाया जाए लेकिन वो मानने का नाम नहीं लेते हैं। गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।